हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 15 और इस सीरीज़ के लिए अभी के लिए फ़िलहाल ये लास्ट डे होगा, लेकिन इस सीरीज़ को अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अभी बहुत से लोगों का डिमांड है कि सर इस सीरीज़ की जगह पर कुछ नई चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करें, वो कैबली से रिलेटेड ही कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो आप इस चीज़ के लिए नो टेंशन रहिए। और साल का लास्ट डे है ये, और इसी के दिन ये आज क्लास भी हम लास्ट डे कर रहे हैं। ये आपके पास में दिसंबर 31 के लिए आपके पास में है ये क्लास, तो ये यादगार रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो इसके साथ में आप इसे ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट वर्ड। सो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट आपके पास में है 141, बिलीव द गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। यानी कि बिलीफ, यानी कि ऐसा विश्वास है कि सब कुछ भगवान, सब चीज़ों में क्या होता है, भगवान होता है और सब कुछ ही भगवान है, तो इसे क्या बोलेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे आपके पास में है एथीज्म। देखिए यहाँ पे थीइज्म होता, अगर ए ना होता तो आपके पास में इसका मतलब होता आस्तिक, लेकिन ए लग गया इसका मतलब जो आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा नास्तिक। उसके बाद में हो जाएगा पैंथाइज्म, जो आपके पास में होता है सर्व व्यापी, आप उसे बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं सर्वे सर्वाद, ठीक है, तो ये आप इसे बोल सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास में है एनीइज्म, तो देखिए एनीइज्म जो आपका पास में होता है इसका मतलब हो जाएगा जीववाद, ठीक है। उसके बाद में है आपके पास में इसका लास्ट ऑप्शन स्पेक्टिज्म, इसका मतलब आपके पास में होता है संदेहवाद, ठीक है, संदेहवाद। अब आप सोचिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ये आपके पास में इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, तो आपने सही दिया होगा इसका जवाब। इसी के साथ में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में है ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग, यानी कि एक पिक्चर, यानी कि आप चित्र बोल सकते हैं आप इसे, इसे किसकी, एक पर्सन की, एक व्यक्ति की और एक वस्तु की ड्रॉ की जाती है इन सच ए हाईली एक्सग्रेटेड मैनर एज टू काज लाफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में हाईली, हाईली का मतलब अत्यंत और एक्सग्रेटेड का मतलब आपके पास में होता है अति रंजित, अति रंजित तरीके से, मैनर यानी कि तरीका, ठीक है, अति रंजित तरीके से बनाई जाती है जो काज कारण बनती है, लाफ्टर मतलब हंसी का कारण बनती है। तो एक ऐसी पिक्चर जो हंसी का कारण बनती है उसे बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए कि कैकोग्राफी आपके पास में है, और इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा घसीटना, ठीक है। इसी के साथ में है कार्टून, तो कार्टून को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, हास्य चित्र, हास्य चित्र। और इसी के साथ में आपके हो जाएगा कैरिकेटर, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा हास्य चित्र बनाना, या आप इसे बोल सकते हैं व्यंग्य चित्र बनाना। तो यहाँ पे आपने देखा हास्य चित्र बनाना या व्यंग्य चित्र बनाना। उसके साथ में नेक्स्ट आपके पास में है कार्टोग्राफी, तो देखिए कार्टोग्राफर होता है आपके पास में मानचित्रीकरण, या आप इसे बोल सकते हैं कि मानचित्र या नक्शे बनाने वाला, नक्शे बनाने वाला, तो जो व्यक्ति नक्शे बनाता है, जो मैप बनाता है, तो वो आपके पास में कहलाता है कार्टोग्राफर, ठीक है। तो कार्टोग्राफर नक्शे बनाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है कार्टोग्राफी, तो बनाने वाला नहीं कहेंगे इसे, मानचित्रकारी आप इसे कहेंगे, ठीक है, नक्शे बनाने के कलाकृति आप इसे बोल सकते हैं, बनाने वाला तो कार्टोग्राफर हो जाएगा, लेकिन ग्राफी है तो इसे मानचित्रकारी बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसको अभी मैंने आपके लिए सही कर दिया है फिर से, तब इसका जो सही आंसर आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैरिकेटर आपके पास में इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऐसे चित्र बनाना जो हास्य, हंसी का कारण बनता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल ब्रीफ्ड ऑफ ऑल पोजिशन, तो यहाँ पे आपके पास में है 143, सभी संपत्तियों पर दयनीय शोक होने की स्थिति आपके पास, इसका मीनिंग हुआ। अभी इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस आपके पास में है फर्स्ट ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेंट, ठीक है, कॉम्प्लिकेंट आपके पास में है, और इसका मतलब हो जाएगा आत्मसंतुष्टि, ठीक है, और आत्मसंतुष्ट आपके पास में हो जाएगा आत्म संतुष्ट,
उसी के साथ में आपके पास में फर्स्ट है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आपके पास में है, इसका मतलब हो जाएगा आश्रित। किसी भी चीज़ पे आप डिपेंडेंट हैं तो आश्रित हो जाएगा, ठीक है। और इनडिपेंडेंट आपके पास में क्या हो जाता है, अनाश्रित हो जाएगा। उसके बाद में है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट पहले भी आ चुका है, ये हो जाएगा सर्वव्यापी, ठीक है। उसके बाद में है डेस्टिट्यूट, तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड आपके पास में, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा अभावग्रस्त, अभावग्रस्त, ठीक है। और इसका सही आंसर भी आपके पास में कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा डेस्टिट्यूट। दयनीय स्थिति में होना, ये आप इसे समझ सकते हैं, दयनीय या शोक की स्थिति में होना क्या कहलाएगा, अभावग्रस्त होना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दयनीय का मतलब एकदम नाजुक कमजोर आप समझ सकते हैं। उसके बाद में है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है इररिस्पॉन्सिबल, तो इररिस्पॉन्सिबल आपके पास में इसका मतलब होता है आपके पास में गैर जिम्मेदार, और रिस्पॉन्सिबल क्या हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में है आपके पास में सेकेंड वर्ड इरेवोकेबल, इरेवोकेबल, तो इसका मतलब हो जाएगा अटल, इसे टाला नहीं जा सकता, या अचल, इसे चलाया नहीं जा सकता। उसके बाद में है इरेडीमेबल, इरेडीमेबल आपके पास में नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में अप्रतिदेय या अपूरणीय, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद में आपके पास में लास्ट ऑप्शन आपके पास में है इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल मतलब जिसे गणना ना किया जा सके, जिसकी कैलकुलेशन ना की जा सके, तो गणना तीत बोला जा सकता है इसे, या बेहिसाब बोल सकते हैं, जिसका हिसाब नहीं हो सकता, बेहिसाब, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इरेवोकेबल, अटल या अचल, जिसे टाला नहीं जा सकता, मतलब जिसे वापस किया नहीं जा सकता, एक बार जो हो गया उसे नहीं दोबारा से रिपीट किया जा सकता, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वन हु जर्वियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, जर्नीस, जो जर्नी करता है प्लेस टू प्लेस, देखिए यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा दे लेना, प्लेस टू प्लेस यानी कि एक स्थान से एक स्थान तक जर्नी करता रहता है, उसे क्या बोले देंगे, क्वैक फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा नकली डॉक्टर, ठीक है, नकली डॉक्टर मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का जैसा बनने की कोशिश करता है। कैनिएबल आपके पास में है, इसका मतलब होता है नरभक्षी, नरभक्षी या आदमखोर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में है इटिनरेट, इटिनरेट मतलब चलने वाला, भ्रमणकारी, चलने वाला, या आप इसे बोल सकते हैं भ्रमणकारी। तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला, तो यही हो जाएगा। और कोरियर आपके पास में है लास्ट ऑप्शन इसका, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा संदेश वाहक, तो आप इसे लिख सकते हैं संदेश वाहक, करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वन हु एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ड्रिंक्स, जो क्या रहता है, एब्सटेन रहता है, बिल्कुल दूर रहता है, किससे, अल्कोहल ड्रिंक से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है टीटोटोलर, जिसका मतलब आपके पास में वही होता है जो इसका मतलब होता है, और इसका मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, शराब से पूर्णतः क्या रहता है, पूर्णतः मद त्यागी, या पूरा आप इसे बोल सकते हैं जो शराब नहीं पीता है, शराब से दूर रहता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं शराब से दूर रहने वाला, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं हिंदी वर्ड में भी। और उसके बाद बात करूँ ड्रंक्ड, तो ड्रंक्ड तो आप समझ सकते हैं पियक्कड़ बोल सकते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं शराबी। उसके बाद में है इडियट, इडियट का मतलब तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे, आप इसे बोल सकते हैं उल्लू या बदतमीज। उसके बाद में है फिलोसोफर, ये वो वाला उल्लू नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं कि उल्लू के जैसा, इसको इडियट बोला जाता है, ओवल वाला नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद में है फिलोसोफर, फिलोसोफर होता है आपके पास में दार्शनिक, पहले भी रिपीट हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हो जाएगा आपके पास में कौन सा, टिटोलर। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर शराब नहीं पीता है तो आप उसके सामने यूज करके देखिएगा, उसे अच्छा लगेगा, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो सूचना एकत्रण गतिविधि, सूचना एकत्रण गतिविधि को क्या बोला जाता है, लॉजिसिस्ट,
आपके पास में है संभार तंत्र, इसे बोला जाता है संभार तंत्र। उसके बाद में है रिकॉन्शियंस, इसका मतलब यही होता है क्या आपके पास में सूचना एकत्रण, तो ये आपके पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबवर्जन आपके पास में है और इसके बाद में इसका जो मतलब होता है भ्रष्टकारिता, या आप इसे बोल सकते हैं उल्टावा कारिता, या आप इसे बोल सकते हैं उल्टावा। उसके बाद में है कॉम्फ्लेक्स, इसका मतलब होता है आपके पास में छलावा बोल सकते हैं या छलावरण बोल सकते हैं, छलावरण सही रहेगा, ये सही है आपके पास में, करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे मुश्किल से समझा जा सके, उसके लिए आपके पास में फर्स्ट आपके पास में है पंक्टलियस, ठीक है पंक्टलियस आपके पास में है, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा अति शिष्टाचारी। ऑब्ट्यूज आपके पास में है, इसका मतलब होता है बेअकल बोल दीजिए। इसके बाद में आपके पास में है एब्स्यूर्ड, इसका मतलब होता है बेतुका या असंगत इसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है एब्स्ट्रूस आपके पास में है गहन, इसे बोलेंगे या कठिन बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया होगा हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो ये कठिन होगा कुछ, गहन होगा, तभी क्या होगा हार्ड टू अंडरस्टैंड होगा, तो ये आपके पास में डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास में है सबटल डिफरेंस इन कलर मीनिंग एक्सेट्रा, मतलब आपके पास में क्या बोल रहा है कि रंग अर्थ आदि में सूक्ष्म अंतर, सबटल डिफरेंस मतलब बिल्कुल सूक्ष्म अंतर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है न्यूएंस, इसका मतलब आपके पास में होता है बारीकी भेद, और आप समझ ही गए होंगे कि बिल्कुल बारीकी भेद के लिए इसका आंसर भी ए हो जाएगा। वेरिएंट आपके पास में है, इसका मतलब होता है वेरिएशन होता है जैसे भिन्न भिन्न, तो वेरिएंट होता है भिन्न रूप। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए इंडिफरेंस आपके पास में है, तो इसका मतलब हो जाएगा उदासीनता, मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी। उसके बाद में चेंज ओवर आपके पास में है, चेंज ओवर का मतलब होता है परिवर्तन, जो चेंज होता रहे, तो ये आपके पास में थे इसके अर्थ, और इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लिए लास्ट वर्ड, और लास्ट आपके पास में है ए प्लेस, यहाँ पे स्पेस है, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, और सैनिटोरियम फर्स्ट वर्ड आपके पास में है, इसका होता है आरोग्य निवास, पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, और आप इसे बोल सकते हैं स्वास्थ्यालय भी बोल सकते हैं। अजाइलम आपके पास में है, इसका मतलब आपके पास में होता है शरण, या आप इसे बोल सकते हैं आश्रय या आलय भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद में नर्सरी के दो मीनिंग आपके पास में है, एक तो बच्चों का जो ग्रह होता है उसे बोला जाता है, जो नर्सरी वाले बच्चे होते हैं, या आप इसे पौधों का स्थान भी बोल सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मैं नर्सरी से पौधे लेके आया हूँ, तो वो वाला भी है। तो रिजोर्ट आपके पास में है, और इसका मतलब होता है आश्रय गमन स्थान। अब इसमें क्या मतलब हुआ आश्रय गमन, मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं और आगे आपको आश्रय मिलेगा, तो रिजोर्ट बोलेंगे उसे, ठीक है। यार अजाइलम आपके पास में क्या है, आपके पास में प्रेजेंट में जो शरण है आश्रय है उसे बोलेंगे, और आश्रय ग्रह ये रिजोर्ट आपके पास में, जैसे आप बोलते हैं कि मैं रिजोर्ट में ठहर जाऊंगा, जैसे आप कहीं से आ रहे हैं बोला है कि मैं रिजोर्ट में चला जाऊंगा, तो ये आपके पास में हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा आप सोचिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में अजाइलम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। तो ये थे आपके 150 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, रोज हमने इनके चारों ऑप्शन भी डिस्कस किए, तो लगभग 150 × 4 आप यहाँ पे समझ सकते हैं 600 कर लिए, कुछ रिपीटेड थे तो 500 प्लस वर्ड मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। इस सीरीज को जिसने भी कंटिन्यू किया होगा काफी अच्छा फायदा आपको हुआ होगा, आगे भी हम करेंगे इसकी अगर जरूरत लगेगी हमें, और इसका PDF फाइल आप यहाँ पे ले सकते हैं रिविजन के लिए, वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं भी डाउनलोड होता है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो आप प्ले स्टोर में जाइए और टेलीग्राम एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल करिए, वहां पे रजिस्टर करने के बाद में जैसे ही आप सर्च करेंगे माय स्टडी दोस्त,
स्पेस बिना दिए तो ये आपके पास में मिल जाएगा आपको ग्रुप, जो लोगो व्हाट्सएप यहाँ पे आपके पास में है यूट्यूब पे वही लोगो वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 3000 से आसपास लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 2.9K वहाँ पे हैं अभी, तो वहाँ पे आप उसे ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। और उसे ज्वाइन कर लेना, पहले से भी बहुत सारी PDF फाइल अवेलेबल है स्टार्टिंग में, तो वो आप देख सकते हैं, पिछले ईयर की भी अवेलेबल है और अभी ये नई जो PDF फाइल है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक हमारे साथ में जुड़े रहे और इस सीरीज को कंटिन्यू आपने देखा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, यू सून। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।